ये अगर सिख व्यक्ति डेफिनेटली पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है तो ये स्वयं अकेला अपनी जान बचा के भी आ सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं, नारी के प्रति मेरा कुछ जिम्मेदारी है और मैं नारी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। और आज तक इस बात की भी बहुत बड़ी चर्चा है कि ये जो औरत है ये इसकी पत्नी है, बेटी है या बहन है, कौन है, ये इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हो सका, सिर्फ एक फोटो ही है। और ये भी बहुत देर तक इतिहासकार ढूंढते रहे कि ये जो सिख युवक है और ये जो युवती है, क्या ये अपनी लील लिया। और इसमें करुणा देखिए, इस सिख व्यक्ति के जूते फटे हुए हैं लेकिन इसने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं है बिल्कुल, और ये भूखा प्यासा भी है, इसकी शक्ल देख के लगता है। इसके कपड़े देखिए आप, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बहुत ही उस समय गरीबी की अवस्था थी। तो इस तस्वीर को अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको एक अपने अंदर बहुत बड़ा जो है मानव का दर्शन प्राप्त होगा। ये देख रहे हैं कैसे ऊपर तक बैठे, इसी तरह चले, इसी तरह ये देख रहे हैं। हमें अपना राज करना है और ये राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। देखो ये वो हिंदुस्तान है जिसके ऊपर महाराजा ऐसे घर खाली किए, कैसे लोग, ना गाड़ियाँ थी, ना ट्रकें थी, ना कुछ था, बैलगाड़ी झूठा गाड़ी के ऊपर सामान लोड किया, जो जिसके पास आया, जो जिसके पैरों में था वैसे ही चल पड़े। और पहली मार काट कर दी, जब वो मार काट वाली गाड़ी इधर आई तो इधर से लोगों ने भी किया, हम भी उसमें बचपन में थे, हमारे मामा वगैरह जाया करते थे। मैं होशियारपुर के अमृतसर के पास गुरदासपुर के इलाके में रहता था, मेरे मामा वहाँ रहते थे। हम देखा करते थे कि लोग, हमारे मामा 18-19 साल के थे, 20-25 जवान जो है वो लेके जाते थे, उनको छोड़ के आया करते थे मुसलमानों को। जब देखा वहाँ गाड़ी में हमारे आदमी काटने लगे, उन लोगों ने भी अटारी के पास गाड़ियाँ काटनी चालू करी। का इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टीशन हॉरर, मतलब दर भूत। ये 14 तारीख को क्या हुआ था नहीं जानते हैं। ये आपका एग्जीबिशन इसीलिए लगाया गया है, इसमें बहुत सारा फोटो है, देखिएगा कि 14 तारीख को क्या हुआ था, किस तरह सब लोग अपना पूरा परिवार छोड़कर किसी तरह जो भी सामान मिला भागे, कि चलो बहुत लोग आ गए था वहाँ से, छोड़कर सारा चीज़ छोड़कर यहाँ आ गया था। इसलिए आज दोनों को हम लाए थे कि आप लोगों को बताएंगे क्या होता था। ये इन्होंने इतना अच्छा से आपको बताया दुख दर्द अपना पूरा परिवार को। हम लोग को अभी कह दे कि निकल जाओ घर से बिना कुछ लिए तो क्या होगा, आप लोग यहाँ आए, यहाँ क्यों आए, कुछ सीखेंगे तो जॉब मिलेगा, कुछ कमाएंगे खाएंगे, ये आज़ादी के कारण है, नहीं तो अंग्रेज ये मौका नहीं देता था, वे उठाता था, कहता था चलो काम करो मेरे यहाँ, कुछ दो देंगे आप लोग, नहीं तो भूखे मरो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब जो फैसिलिटी हम लोग को मिल रहा है सिर्फ आज़ादी के कारण, तो इसका वैल्यू हम लोग को देना है कि आज़ाद हम लोग अधिकार है। आज हम यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, फिर जाकर मेरे पास आते हैं, बहुत लोग बैंक में जाते हैं कि हमको, हमने ट्रेनिंग लिया, हमको लोन चाहिए, ये अधिकार से बोल रहे हैं आपको। ये चीज़ पहले ये सब नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बस वे लेबर की तरह आपको उठा कर ले जाता था, काम करवाता था, पैसा दे, जितना दे, 10 रुपया दे, 5 रुपया दे, ना दे, वह उसके मन पे। तो ये अपने स्वतंत्रता अधिकार मतलब को बनाए रखिए।